सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज मैं आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव कंटेंट लाया हूँ। हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा पंच एज वेल एज टाटा एल्ट्रोज के बीच में। अब इन दोनों गाड़ियों में सिमिलैरिटीज भी हैं बहुत सारी, बट येट दे आर वेरी डिफरेंट। अंदर से इनका जो कोर है वो सेम है, बट इनकी जो पर्पसेज हैं, जिस हिसाब से इनको पुट फोर्थ किया हुआ है एज अ प्रोडक्ट, दे आर क्वाइट डिफरेंट। बट इनकी जो प्राइसिंग होने वाली है, दे विल सर्टेनली बी ओवरलैपिंग ईच अदर। तो आपको इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं, कोई भी आपको इश्यूज़ ना हो अगर आप दोनों में से कोई भी गाड़ी के बीच में कंफ्यूज है। तो शुरू करते हैं इन गाड़ियों के वेरिएंट्स के बारे में बताने में। दोनों ही टॉप एंड वेरिएंट्स है, रेंज टॉपिंग वेरिएंट्स। वो आपको एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट में दिखा रहा हूँ टाटा अल्ट्रोज का। एंड दिस इज द टाटा पंच क्रिएटिव विद द आयरा पैक के साथ ये टॉप एंड वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। 86 PS की पावर दोनों ही गाड़ियाँ जनरेट करती हैं अलॉन्ग विथ 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बट यहाँ पर एक फ़ायदा आपको अल्ट्रोज में मिल जाता है कि अल्ट्रोज में आपको एक 1.5 डीजल एंड 1.2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। इन केस आप थोड़े से गाड़ी ज़्यादा चलाने के शौकीन हैं या आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो वो आपको अल्ट्रोज में मिल जाएगी एज एन ऑप्शन। बट जो पंच है उसमें आपको सिर्फ यही एक इंजन ऑप्शन मिलता है। हालाँकि पंच के फेवर में एक बात आ जाती है कि यहाँ पर आपको एक AMD ट्रांसमिशन मिलता है, बट अल्ट्रोज में सिर्फ मैनुअल ही आपको ऑफर किए गए हैं। शुरू करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंटल ओवरव्यू से। पहले हम पंच की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो गाड़ी है कहीं ना कहीं आपको जो इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज है उसकी यहाँ पर झलक दिखेगी टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी के जो फ्रंटल ओवरव्यू है उनकी। जो DRL है यहाँ पर LED बेस दी गई है अलॉन्ग विथ हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर्स। एंड नीचे ये स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है तो हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर है जहाँ पर हाई बीम भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही दी गई है, बट ये रिफ्लेक्टर है। बाकी नीचे की ओर जो फॉग लैम्प है कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आपको मिलता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पंच में आपको क्लैडिंग वगैरह ज़्यादा मिलेगी। एंड जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है कि आपको जिस हिसाब से यहाँ पे अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल्स एक्सेट्रा दिए गए हैं, इवन तो इन गाड़ियों के सेगमेंट्स अलग हैं बट पंच ज़्यादा केपेबल है एंड दैट इज़ व्हाट रियली मेक्स इट स्टैंड आउट। तो यहाँ पर आपको 20.3 डिग्री का अप्रोच एंगल दिया गया है एंड अराउंड 37 डिग्रीज़ का डिपार्चर एंगल दिया गया है एंड दैट मेक्स इट वेरी केपेबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ बैड टेरेन्स और रफ रोड्स अगर आपकी यूजेज थोड़ी ख़राब सड़कों पे है। तो लगभग 187 से 190 mm के बीच ग्राउंड क्लियरेंस पंच ऑफर करती है, वेरास जो अल्ट्रोज है उसमें आपको सिर्फ 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। तो दोनों गाड़ियों का पर्पस अलग है। ये प्रीमियम हैचबैक है फैमिली पर्पस के लिए या अगर आपको नॉर्मल सिटी ड्राइविंग करनी है तो। बट अगर आप थोड़े ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, ख़राब सड़कों पे ज़्यादा जाते हैं और आपको उसके साथ साथ फैमिली के लिए भी एक व्हीकल चाहिए तो जो पंच है एक काफ़ी आइडियल ऑप्शन निखर के आता है। अगर अल्ट्रोज के फ्रंटल ओवरव्यू की बात करें तो आपको यहाँ पर बड़ा ही स्लीक सा अपीयरेंस मिलता है। पंच में हमने एक बड़ी हैवी सी स्टांस देखी, काफ़ी बुच सा अपीयरेंस देखा। अल्ट्रोज में आपको हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स दिए गए हैं एंड जो पोजीशन लैम्प्स एंड इंडिकेटर्स एट्सेट्रा हैं वो भी हैलोजन बेस्ड है। बट नीचे जब आप बढ़ेंगे आपको फॉग लैम्प्स हैं, दे आर अगेन विद द कॉर्नरिंग फंक्शन एंड LED की DRL भी आपको यहाँ पर मिलती है। बीच में आते हुए अगेन एक बड़ा ही एरोडायनामिक एंड शार्प सा लुक आपको मिलने वाला है टाटा अल्ट्रोज में जो कहीं ना कहीं पंच में मिसिंग है। बट येस, एज आई मेंशन दोनों गाड़ियों के पर्पसेस अलग अलग है, सो यू विल हैव टू चूज बिटवीन व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। अगर माइलेज की बात करें तो पंच में हमें अभी तक कोई भी ऑफिशियल माइलेज के फिगर्स निकल के आए नहीं है, बट अल्ट्रोज लगभग 19 किलोमीटर्स पर लीटर की कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम्ड के साथ आती है। तो सिंस दोनों गाड़ियों की जो इंजन है एंड पावर आउटपुट एट्सेट्रा सेम है तो आप एक सिमिलर क्लेम्ड माइलेज फिगर दोनों ही गाड़ियों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग होगी वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑन रोड प्राइसिंग, सो यू कैन हैव अ लुक एंड जज द वेरिएंट यू वांट टू परचेज। एक बार ही साइड प्रोफाइल पे हम बढ़ जाते हैं। अब दोनों ही जो गाड़ियाँ सब 4 मीटर सेगमेंट में आती हैं तो उसमें कोई भी आपको दो राय या कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, जो पंच है थोड़ी सी आपको लेंथ में छोटी लग सकती है, बट हाइट एज वेल एज ग्राउंड क्लियरेंस एट्सेट्रा में पंच ज़्यादा बड़ी है क्योंकि उसमें एक थोड़ा आपको एक अर्बन SUV या माइक्रो SUV वाला स्टांस देने की कोशिश करी गई है जो अल्ट्रोज में मिसिंग है। अल्ट्रोज थोड़ी सी संकिन हैचबैक वाली आपको अपीयरेंस देगी। क्लैडिंग का भरपूर इस्तेमाल पंच में किया गया है। अगर टायर्स की बात करें तो 165/60 और 16 इंच के आपको यहाँ डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 60 प्रोफाइल यहाँ पर मिलती है, आगे डिस्क है एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। बट ऑन दी अल्ट्रोज आपको यहाँ पर 195/55R 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ आपकी जो प्रोफाइल है कम हो जाती है, बट येस जो थोड़े से अपीयरेंस है इन एलॉयज़ की आपको बेहतर लगेगी अल्ट्रोज में, बिकॉज ये ऑब्वियसली रफ रोड्स के लिए बने नहीं है, तो इसलिए प्रोफाइल भी इस गाड़ी की थोड़ी कम रखी गई है इस गाड़ी के टायर्स की। इसमें भी आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर करे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ड्रम ब्रेक्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं। अगर रेयर एंड पे बढ़े तो इन गाड़ियों के रेयर एंड बड़े अलग हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। जो पंच है यहाँ पर आपको ट्राई आरो एलिमेंट मिलता है जो एलईडी बेस्ड है, एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हैलोजन बेस्ड मिलते हैं। थोड़े छोटे टेल लैम्प्स हैं इस गाड़ी के, हालांकि अगर आप अल्ट्रोज में जाएंगे तो थोड़े बड़े हैं, अभी हम उसकी बात कर लेते हैं डिटेल में। इंटीग्रेटेड डिफॉगर एज वेल एज वाइपर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प, एंड ये डुअल टोन वर्जन है पंच का, तो आपको ब्लैक रूफ यहाँ दिखाई दे रही है। जो रूफ रेल्स हैं आपको इस गाड़ी में यहाँ पे दिए गई हैं, बट टाटा की जो अल्ट्रोज है उसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज एज आई मैंशन ये भी डुअल टोन वेरिएंट है। बट हाँ यहाँ पर ये प्रीमियम हैचबैक होते हुए कोई भी यहाँ रूफ रेल्स नहीं है जो आपको पंच में मिल जाती हैं, बट अगेन दीज आर नॉट ऑफ एनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी। अगर बूट स्पेस को खोलें तो यहाँ पर पंच में बूट स्पेस में आपको फ़ायदा मिल जाता है, जो शायद आपको इसके डायमेंशंस देख के पता नहीं लगेगा, बट 366 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस आपको टाटा पंच में मिल जाता है, जिसमें वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छी है इसमें, तो ये आपको यहाँ पर एक फ़ायदा दिखेगा। हालांकि थोड़ी सी लोडिंग लेप आपको ज़रूर यहाँ पर हाई दी गई है। ये इसका अल्फा प्लेटफॉर्म शेड है, तो जो इसके स्ट्रट्स की माउंटिंग है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलेगी। अल्ट्रोज में भी हमने सेम चीज़ यहाँ देखी थी। सीट फोल्डिंग दोनों गाड़ियों में ही आपको बेंच के साथ मिलती है, 60-40 स्प्लिट रेशियो नहीं यहाँ पर ऑफर करी गई। ऑल इन ऑल अगर आप पंच की रेयर प्रोफाइल देखेंगे, नीचे से भी जो क्लैडिंग का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, काफ़ी इसको एक बुच अपीयरेंस, काफ़ी वाइड एंड अग्रेसिव अपीयरेंस देने की कोशिश करी गई है। दोनों ही गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलते हैं अलॉन्ग विथ 2 पार्किंग सेंसर्स। Moving to the Tata Altroz now. ऐसा कुछ आपको पूरा यहाँ पर जो अपीयरेंस है टाटा अल्ट्रोज में मिल जाता है। जैसा मैं बता रहा था इसके टेल लैम्प्स थोड़े बड़े हैं, बट एलईडी नहीं है, हैलोजन है, तो ये मुझे थोड़ा सा इट्स अ ग्लेयरिंग ओमिशन आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे हैलोजन बल्ब्स का ही इस्तेमाल किया गया है, बट ये पियानो ब्लैक का काफ़ी अच्छा यहाँ इस्तेमाल है। इंटीग्रेटेड डिफॉगर, वाइपर एज वेल एज योर हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प आपको यहीं पर दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स हैव बीन ऑफर्ड ऑन बोथ व्हीकल्स एज मेंशन्ड, तो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको दिख रहा होगा। जो बूट स्पेस है अल्ट्रोज में इट्स अराउंड 345 लीटर्स, तो थोड़ा सा मार्जिनली कम है, बट यह ज़्यादा आपको इसमें फ़र्क नहीं दिखाई देगा। इसकी भी लोडिंग लिप थोड़ी हाई है, सो दैट्स द केस विद बोथ व्हीकल्स। बेंच फोल्डिंग सीट्स आपको मिलती हैं। अगर कंपैरिजन में हम इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पर एक बारी हम पंच से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ दिया गया, सिमिलैरिटीज़ आपको काफ़ी सारी यहाँ पर दिखने वाली है, सो वो आप एक बारी देख लीजिएगा। आई विल बी टेलिंग यू थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द वीडियो। स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं, आपको क्या कुछ यहाँ पर दिया गया। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है जो हमने अल्ट्रोज में भी देखा, आइडेंटिकल है अल्ट्रोज जैसी यहाँ पे चीज़ें। लेफ्ट को आपको सारे मल्टीमीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ सारे मल्टीमीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, वॉइस कमांड एट्सेट्रा। एंड राइट साइड को आपको क्रूज कंट्रोल एंड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को टॉगल करने के सारे टॉगल्स दिए गए हैं। जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील एट्सेट्रा वो सेम फिनिश यहाँ रखी गई है। लेफ्ट साइड को आपको ऑटो वाइपर्स मिलते हैं, बेसिकली रेन सेंसिंग वाइपर्स, एंड राइट साइड को आपको ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन ऑफर किया गया है, विच इज़ अगेन शेयर्ड फ्रॉम द टाटा अल्ट्रोज इटसेल्फ। अब जो MID है वो अगेन सेम है, जैसा मैं आपको बता रहा था 7 इंच की TFT डिस्प्ले है जिसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो वॉक अराउंड रिव्यू है टाटा पंच का आप ज़रूर वो देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अल्ट्रोज में भी अभी जब मैं आगे जाऊंगा तो आपको सेम चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, सेम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को इनकॉर्पोरेट किया गया है। राइट साइड को क्या है अल्ट्रोज में कि आपको रेयर डिफॉगर के भी कंट्रोल्स यहीं पर मिल जाते हैं, एंड इको मोड अल्ट्रोज में यहाँ पर सेंटर कंसोल में दिया गया है। अब अगर यहाँ पर बीच में डैशबोर्ड में आए तो अल्ट्रोज के कंपेरिजन में यहाँ पर थोड़ा डैशबोर्ड की फिनिश को बदला गया है, बिकॉज डेफिनेटली गाड़ी के डायमेंशन अलग अलग है, तो उस हिसाब से यहाँ कार्व आउट किया गया है। यहाँ पर एक 3-4 लेयर करी गई अलग अलग मटेरियल्स की। ग्रेनाइट फिनिश है जिसके नीचे आइवरी या वाइटिश कलर की ट्राई आरो पैटर्न के साथ जो प्लास्टिक्स हैं दिए गए हैं। अगर आप इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे तो दिस इज़ अगेन बोरोड फ्रॉम दी अल्ट्रोज ओनली, सेम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। बस फ़र्क ये है कि जो टाटा पंच है उसमें आपको 6 स्पीकर ही दिए गए हैं, अल्ट्रोज में आप जाएंगे तो 8 स्पीकर का आपको सिस्टम वहाँ देखने को मिलने वाला है। एंड एप्पल कार पर एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड है, इसमें थीम्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, जेस्ट, जिंग, जील वगैरह, तो वो सब चीज़ें काफ़ी कन्वेंशनल आपको लगने वाली हैं, कोई भी चेंज नहीं है। एसी वेंट्स का पैटर्न चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर एसी वेंट्स दिए गए हैं सिल्वर एक्सेंट्स के साथ। नीचे जो एसी की कंट्रोल्स हैं, ऑटो एसी है, बट येस इट्स द सेम एज द अल्ट्रोज, नो डिफरेंस ओवर देयर। यूएसबी का सोर्स है एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिलता है। अब फ़र्क क्या आ जाता है कि यहाँ पर एक कोई भी हैंड रेस्ट नहीं है जो हमें अल्ट्रोज में दिया गया है, तो अल्ट्रोज के कंपैरिजन में वो मिसिंग है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर है, बट अल्ट्रोज में आपको पीछे दिया जाएगा, विच आई विल डेफिनेटली शो यू इन सम टाइम। हैंड रेस्ट की जगह यहाँ 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। एंड अगर आप ग्लव बॉक्स देखना चाहें तो थोड़ा सा छोटा है, बट मतलब अपने आप में ये बहुत अच्छे साइज़ का है, बट हाँ अल्ट्रोज में थोड़ा बड़ा आपको लगभग 15 लीटर का दिया गया है। ये कूल्ड फंक्शनैलिटी के साथ आपको मिलता है। ऊपर आरवीएम मैनुअल है एंड यहाँ पर हैलोजन बेस्ड ही रीडिंग लैंप मिलते हैं। इट्स नॉट एलईडी, देयर इज़ नो वैनिटी मिरर फॉर द ड्राइवर, बट फॉर द को ड्राइवर देयर इज़ अ वैनिटी मिरर ऑन ऑफर। सो ऑल इन ऑल सीट कंफर्ट वगैरह की भी अगर हम बात करेंगे तो सीट्स नॉर्मल ही हैं, मतलब ऐसी हैं अल्ट्रोज जैसी, जो डिसेंट कंफर्ट ऑफर कर देती हैं। साइड में बोल्स्ट्रिंग वगैरह ये अच्छी आपको लगने वाली है। फैब्रिक सीट्स ही हैं, कोई भी लेदर का यहाँ यूज़ नहीं किया हुआ है। अब एक बारी हम बढ़ते हैं टाटा अल्ट्रोज की ओर और वहाँ पर देखते हैं कि दोनों गाड़ियों में क्या कुछ फ़र्क आपको मिलते हैं। अब पंच का तो इंटीरियर हमने देख ही लिया, एक बारी अल्ट्रोज का भी देख लेते हैं। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, सो दैट इज़ द सेम फीचर विच हैज़ बीन कैरीड ऑन। एंड जब आप इंटीरियर्स में बढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर कोई भी मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट ऑल हैज़ बीन ऑफर्ड। इन केस ऑफ द अल्ट्रोज यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील सेम है, कंट्रोल्स एक्सेट्रा सेम है, मल्टीमीडिया वॉल्यूम रिलेटेड एंड राइट साइड को क्रूज कंट्रोल एज वेल एज योर TFT डिस्प्ले के जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं सेम है। दोनों ही गाड़ियों में टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। एंड यू गेट दिस लेदर रैप्ड फिनिश ओवर हियर एज वेल। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं एंड ऑटो स्टार्ट ऑफ फंक्शन एज वेल एज वो इको मोड दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, बट हाँ बटन्स की प्लेसमेंट थोड़ी अलग है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑल्सो रिमेन्स द सेम, 7 इंच का सिस्टम है जिसमें आपको 8 स्पीकर मिलते हैं। इन केस ऑफ द अल्ट्रोज जो पंच है उसमें सिर्फ 6 ही हैं, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर एंड वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको यहाँ दिया गया है। नीचे बढ़ते हुए एयरकॉन रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दे हैव बीन कैरीड ऑन ओवर हियर सेम है। यू गेट योर USB एंड 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट्स, बट पंच में आपको जो 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है यहीं पर मिलते हैं दोनों, बट अल्ट्रोज ने उसकी पोजीशनिंग पीछे करी हुई है। यहाँ पर एक जो बेनिफिट मिल जाता है अल्ट्रोज में, यहाँ पर एक आर्मरेस्ट ऐड ऑन हो जाता है, तो ये बड़ा ही कंफर्टेबल फीचर है। एडजस्ट कर सकते हैं आप इसमें एंड इसमें आप सामान भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स भी अल्ट्रोज में थोड़ा आपको बेहतर लगेगा, 15 लीटर की वॉल्यूम कैपेसिटी के साथ आता है जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। लेयरिंग वगैरह यहाँ पर करी हुई है, कोई भी सनरूफ जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती। एंड एक जो सनग्लास होल्डर की कमी है वो भी मुझे खली थी टाटा पंच में, जो आपको यहाँ पर पूरी होती हुई दिखेगी। रीडिंग लैम्प्स भी अल्ट्रोज में LED हैं, बट पंच में आपको हैलोजन बेस्ड ही दिए गए हैं। लेट्स मूव टू द रेयर स्पेस ऑफ द पंच नाउ। जो रेयर सीटिंग स्पेस के कंपैरिजन का सिलसिला है, एक बार यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर सेम आपको C पिलर पे जो माउंटेड डोर हैंडल्स हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द अल्फा प्लेटफॉर्म जो दोनों गाड़ियों में ही मिलता है। तो जैसा बता रहा था सिमिलैरिटीज़ भी बहुत है, बट हाँ डिफरेंट भी है दे आर एट द सेम टाइम, सो वो आपको चीज़ यहाँ पे दिखेगी। 90 डिग्री ओपनिंग अपर्चर है लाइक द अल्ट्रोज अगेन। ट्विटर का आपको डमी यहाँ पे प्लेसमेंट करी गई है, इसमें ट्विटर आता नहीं है फ्रॉम द कंपनी, बट आप चाहें तो आप इसमें लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। एंड द डोर हैंडल आर बेस्ड ऑन ब्रश्ड एल्यूमिनियम, तो ये फिनिश आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। बाकी पावर विंडो के बटन्स एंड स्टोरेज पीसेस एंड ऑल काफ़ी अच्छे आपको लगेंगे। सो अब मैं आ चुका हूँ टाटा पंच के रेयर स्पेस में एंड जैसा हमने इस वीडियो का नॉमेनक्लेचर रखा है, जो फ्रंट सीट है मैं उसको एकदम मैक्स पोजीशन पे रखूँगा ताकि आपको मिनिमम नी रूम दिख जाए। तो अभी हम अल्ट्रोज में जाएंगे, वी विल सी ओवर देयर क्या हिसाब किताब है, बट यहाँ पर अभी 5 फीट एंड 10.5 इंचेस मेरी हाइट है एंड जब मैं पीछे बैठता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास हार्डली कोई नी रूम है, मेरी नीज ऑलमोस्ट टच कर रही है, बट हाँ ये एकदम ही वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने कंसिडर किया है। एंड दिस इज़ बेसिकली माई अटैम्प्ट टू शो यू कि आपको वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो मतलब क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। अंडर द सपोर्ट आप देखेंगे तो थोड़ा, मैं अभी अल्ट्रोज में भी काफ़ी हद तक मैंने उसको टेस्ट किया है, उसके कंपेरिजन में अंडर द सपोर्ट आपको इसमें बेहतर लगेगा एंड दैट इज़ बिकॉज अल्ट्रोज कि कस्टमर्स ने थोड़ा यहाँ पे फीडबैक दिया होगा एंड उसके बाद इन्होंने नेक्सॉन टाइप यहाँ पर सीट्स लगाई हैं, थोड़ा बहुत कार्व आउट किया जैसे नेक्सॉन में किया था, जिसके कारण अंडर द सपोर्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है एंड दिस इज़ रियली रियली अ गुड चेंज। बाकी विड्थ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा एल्ट्रोज से छोटी है एंड यहाँ पे दो एडल्ट बैठ सकते हैं एंड एक बच्चा बैठ सकता है, फ्लैट फ्लोर है एंड दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द अल्फा आर्किटेक्चर। जो रियर हेडरेस्ट हैं आपको ऐसे कुछ दिए गए हैं, एडजस्टेबल दोनों के दोनों, एंड आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी ऑल एंड ऑल अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो हेडरूम में आपको हैंड्स डाउन यहाँ पर फ़ायदा दिखने वाला आप देख सकते हैं अल्ट्रोज के ओवर। तो अगर आप लंबे लोग पीछे बैठते हैं एंड हेडरूम में आपको दिक्कत होती है तो दिस विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू बिकॉज आप हेडरूम यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द टाटा अल्ट्रोज नाउ। अब पंच के बाद अगर अल्ट्रोज के रियर एंड की बात करें तो अगेन मैं आपको मैक्सिमम जो पीछे सीट करके है वो दिखाने वाला हूँ। तो जो मिनिमम नी रूम है आप देख लीजिए एक बारी, यहाँ पर नी रूम में आपको ज़रूर इजाफा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द पंच। नी रूम यहाँ पर ज़्यादा दिया गया है, बट कमी कहाँ आती है अंडर द सपोर्ट में। अंडर द सपोर्ट जो है यहाँ पर कम दिया गया एज़ कम्पेयर टू द पंच। रेयर एसी वेंट्स एज वेल एज 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है आपको यहीं पर दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको आगे दिया गया है एज आई मेंशन। ऑल एंड ऑल विड्थ में यहाँ पर थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेहतर स्पेशियसनेस मिलती है अल्ट्रोज में एज़ कम्पेयर टू द पंच एंड आप यहाँ पर 3 लोग बैठा सकते हैं जिसमें बीच वाला बच्चा ही होगा बिकॉज यहाँ पर फ्लैट है तो यहाँ पर 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, बट द सेंटर पैसेंजर अगर बच्चे हों तो बेटर है, 3 फुल साइज एडल्ट यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम की यहाँ थोड़ी कमी है एज कम्पेयर टू द पंच। ऑल एंड ऑल अगर आप स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ इक्वल चलती हैं, किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ। फॉर एग्जाम्पल पंच में अंडर द सपोर्ट आपको थोड़ा बेहतर लगने वाला है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford